नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के उमेक सिटी में दिनदहाड़े महिला को बंधक बनाकर लाखों की लूट की। वृंदावन के उमेक इंटरनिटी सिटी में दो अज्ञात बदमाशों ने कॉलोनी के गोविंदा टू ब्लॉक के दूसरी मंजिल के फ्लैट I-101 में दिनदहाड़े धावा बोल दिया। कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्डों की तैनाती के साथ ही सांसद हेमा मालिनी के निवास से करीब 50 मीटर की दूरी पर दिनदहाड़े लूट की। घटना ने यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही SSP सहित अन्य अधिकारी एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। फ्लैट स्वामी सतीश चावला के अनुसार शनिवार दोपहर वह बाजार गए थे और उनकी पत्नी सुनीता चावला घर पर अकेली थी। इसी दौरान करीब 1 से 2 बजे के बीच दो युवक उनके घर आए और दरवाजा खुलवाकर अंदर घुस गए। उन्होंने सुनीता को घर में अकेला देखकर बंदूक की नोक पर एक कमरे में बंधक बना लिया और उनके मुंह पर टेप भी लगा दिया और उनके सिर पर बंदूक की बट से वार कर उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद बदमाश उनके घर की अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात, ठाकुर जी के श्रृंगार एवं बर्तन एवं करीब 50,000 रुपए नगद सहित 8 से 10 लाख रुपए का सामान निकाल लिया। इसी बीच वह लौट कर आए तो दो युवक उन्हें फ्लैट से नीचे उतरते हुए दिखाई दिए। वहीं SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि पुलिस घटना की जाँच में जुटी है। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादू उनकी रिपोर्ट। और मैं ये अपना गोविंदा टू I-102 कौन सी कॉलोनी कॉलोनी का नाम क्या गोविंदा टू ओमेक्स इंटरनिटी। तो आपके उसमें क्या हो गया फ्लैट में? आपके फ्लैट में दो लड़के आए, मोटरसाइकिल उनके पास थी, एक ऊपर था बाकी नीचे। मैंने नीचे को देखा, ऊपर का मुझे आईडिया नहीं अब कितने लड़के थे। मैंने सीढ़ी से एक को उतरते देखा, नीचे आया हूँ, एक लड़का ने यहाँ हॉर्न दिया, ऊपर से बंदा उतरा है, वो नीचे उतर के मोटरसाइकिल मेरे सामने निकला है। मैं ऊपर गया तो मेरी मिसिस के मुंह पे टेपे बांधी हुई, सिर पे बट मारा, खून पूरा निकल रहा, उस पर खून वून निकल रहा था और वो टेपे बंधी थी, हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। जब मैंने ऊपर दरवाजा खोला तो बाथरूम में बंद किया था उसको, जैसे मैं बाहर वो बाहर निकलते मैं दरवाजा खोला, बाहर निकल के आई तो उसने कहा कि ये पकड़ो इनको पकड़ो। मैं क्या कौन, इतनी देर में मैं नीचे उतरा, वो निकल गया बंदे। तो आप कहाँ थे उस समय पर? मैं कहीं गया हुआ था, मैं तभी घर आया था अभी। ये वारदात एक और दो के बीच हुई है दिन में। तो क्या कुछ सामान ले गए आप यहाँ से? सारा सामान, सारी ज्वेलर, सारे पैसे और अंदर सामान जो भी था, बचा कुछ नहीं, पूरा साफ कर गया। कितनी नकदी थी? कितना कुल है? कितने रुपये चोरी हुई? 50,000 रुपये कैश था, 8-10 लाख रुपये का ज्वेलर होगा। जिसकी सब महिला घटना हुई, महिला कहाँ है? वो अभी हॉस्पिटल में है, उनका वो CT स्कैन वगैरह हो रहा है। अब क्या मारा है, सिर पे खून ही खून आ रहा है। अच्छा जी, आप मतलब यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? अभी 1.5 साल हुआ मुझे। तो आप खुद का फ्लैट है जी? हमारा अपना। तो इस यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसने मतलब बताया कि आप देख ही लो, यहाँ जो है आपके सामने ही है, इतनी बड़ी वारदात हो गई, सिक्योरिटी कहाँ है आप बताओ। हमारे पुलिस आ गई थी समय पर, पुलिस को फोन किया पूरा मामला। यहाँ पर एक फ्लैट है जो मिस्टर चावला यहाँ पे अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। उनका कहना है कि 1 से 2 बजे के बीच में दो लोग मोटरसाइकिल पर आए हैं और एक लड़का जो है वो ऊपर चला गया है। वहाँ पर उनके घर का कुछ सामान उनके द्वारा लिया गया है वहाँ से, और जो महिला है वहाँ पर उनको चोटिल भी किया गया है। उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद इस समय पर वो अपने घर पर आ गई हैं। यहाँ पर सभी सूचनाएं संकलित की जा रही हैं, उनसे बड़ी विस्तृत रूप से हमारी बात हुई है। इस क्षेत्र में लगे हुए सभी CCTV कैमरास को भी देखा जा रहा है और यहाँ पर बहुत अहम जानकारियाँ और एविडेंसेज भी हम लोगों को मिले हैं। बहुत जल्द आशा है कि घटना। महिला का नाम क्या है सर? जो महिला है सुनीता चावला। सर कितने की लूट बता रहे हैं सर? ये अभी वो लोग अपना देख रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, पूरा असेसमेंट करके जब FIR लिखवाएंगे उसी में पूरी चीज खोलेंगे। ओके सर जी, क्या नाम है आपका? सुनीता चावला। सुनीता जी, क्या घटना हुई है यहाँ पे ओमेक्स में? ये 1:15 बजे का टाइम था, बेल बजी, मैंने दरवाजा जैसे ही खोला उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ रखा और खींचते हुए मेरे को बाथरूम की साइड ले लिया। कितने लोग थे? दो थे, दो लड़के थे। तो क्या क्या चोरी हुआ यहाँ से? अब अलमारी से क्या क्या निकाल के ले गए मुझे तो नहीं पता, ज्वेलरी, सोन, ये पैसे, उनको पता नहीं दे रहे ना, बैग, और इधर दूसरे अलमारी से भी उन्होंने बैग से पैसे निकाले। आप पे हमला किस चीज से किया? ये सर पर चोट है। उन्होंने दो पिस्टल पकड़ी हुई थी, एक तो सारा अलमारियों से सामान निकाल रहा था और दूसरा मेरे पास खड़े होकर मेरे को उसने रस्सी से पहले बांधा, फिर उसके बाद मेरे को मारा। मैंने पूछा कि मेरे तो मुंह में हाथ रख दिया और कहता कि आप चुप हो जाओ नहीं तो मैं मार गोली चला दूंगा।
मैंने कहा कि आप हो कौन, वो मेरे को ऐसे जैसे ही मैं बोलने लगी वो मेरे सिर पे मारे, इस तरह उन्होंने 5 से 6 बार मेरे को यहाँ पे मारा। क्या मतलब आप उनको जानती हैं पहले से कोई देख, नहीं, देखने से लगा मैंने तो देखा ये है कि 11 बजे के करीब एक लड़का आया था, वो अमित करके नाम पूछ रहा था कि यहाँ पे अमित है, अमित है अंदर, तो मैंने कहा नहीं अमित तो यहाँ पे नहीं रहता, कहता है सामने रहता है, मैं कहा यहाँ पे भी कोई नहीं है, मैं कहा ऊपर में है फैमिली वहाँ से पूछ लो, वो ऊपर सीढ़ियों चढ़ गया। आपने पुलिस को सूचना दी है? हाँ जी, वो पुलिस वाले अभी होके गए। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने तो यही कहा है कि मैं सारी चेकिंग करके आपको जहाँ तक के पकड़ाएंगे, उन्होंने तो यही कहा। मेरे भगवान जी के मन सारी मूर्तियाँ भी ले गए भगवान जी की, मेरे वो चांदी का समझ के।